अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन से ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन रिसीव हो। तो लास्ट वीडियो में हमने प्रॉस्पेक्टर टैब के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आज की वीडियो जो है वो सेटिंग टैब में, ठीक है। सेटिंग टैब क्या वर्क करती है, ठीक है, और इससे हम क्या आउटपुट ले सकते हैं, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो सेटिंग टैब में जो सबसे पहले पहली चीज़ है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम राइट क्लिक करें तो यहाँ पे सबसे पहले ऐड ड्राइंग सेटिंग, ठीक है। कोई भी ड्राइंग आप बनाते हैं, ठीक है, तो उसकी आप कुछ सेटिंग करते हैं, यूनिट सेटिंग, ठीक है, डिमेंशन सेटिंग, ठीक है, स्केल होता है। तो सेटिंग टैब में ये पांच टैब्स हैं, ठीक है। पहले वाली जो यूनिट एंड जोन है, इसमें आपके यूनिट्स आते हैं, ठीक है, एंगुलर डायमेंशन आती हैं, ठीक है, मीटर में, फिट में, स्केल क्या है, कस्टम स्केल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको अपना यूटीएम, जो डेटम जो है, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। वो यूटीएम हो सकता है या आपका कोई भी दूसरा हो सकता है, ठीक है। और यहाँ से आप अपना जोन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ये लिस्ट है, इसमें यहाँ से आप जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं वहाँ का आप जोन सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड में ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर आप की ड्राइंग को आपने कुछ ट्रांसफॉर्म करना है तो यहाँ से आप अपनी सेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट लेयर है, ऑब्जेक्ट लेयर में जैसे ये अलाइनमेंट है, तो जब आप अलाइनमेंट क्रिएट करेंगे तो बाई डिफॉल्ट उसकी जो लेयर आएगी वो सी रोड आएगी, ठीक है। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं और इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। हर एक ऑब्जेक्ट के लिए बाई डिफॉल्ट सिवर 3D में कुछ लेयर प्री डिफाइन है, ठीक है। अगर आप अपनी कोई न्यू लेयर क्रिएट नहीं करते तो बाई डिफॉल्ट इसी लेयर में सिवर 3D जो है वो चीज़ को स्टोर करता है, ठीक है। इसके बाद एब्रीविएशन है, एब्रीविएशन में जो भी आपकी डिजाइनिंग है, ठीक है, वो अलाइनमेंट के रिलेटेड हो, टेक्स्ट हो, ठीक है, कुछ भी हो, ठीक है, उसके कुछ कोड बाई डिफॉल्ट सिवर 3D में दिए गए हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस चीज़ के लिए क्या क्या कोड जो है गिवन है। आप अपने हिसाब से इसको मैनेज भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है एम्बिएंट सेटिंग, एम्बिएंट सेटिंग में भी कुछ सेटिंग दी गई है, जर्नल है, ठीक है। उसके बाद लेबलिंग है, टाइम है, ओके। उसके बाद डिस्टेंस है, डायमेंशन है, ओके। तो यहाँ पे भी ये जो एक ओवरराइड का बटन है, अगर आप इसको ओवरराइड करेंगे तो यहाँ पे आप अपनी एडिटिंग कर सकते हैं। उसके बाद इसी टैब में अगर हम एडिट लेबल स्टाइल डिफॉल्ट में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो है लेबल एडिटिंग की काफ़ी सारी ऑप्शन है, और यहाँ पे ओवरराइड दिया गया है, ठीक है। आप इसको यूज़ करते हुए अपने लेबल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और ओवरराइड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंपोनेंट है, लीडर है, ओके, और ड्रैग स्टेट है, ओके। उसके बाद हमारे पास सेम जैसे प्रॉस्पेक्टर टैब में ये मेन्यू आ रहा था, ये ऑलमोस्ट सेम ही मेन्यू है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम जाएं सरफेस कैलिब्री, जैसे हमने लास्ट में वीडियो में हमने एक्सपेंड किया था उसको, तो उसमें कुछ ऑप्शन थी, ठीक है। अभी सेटिंग टैब में जब हमने इसको एक्सपेंड किया है तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन हमें मिल रही हैं। तो सेटिंग टैब में हम इसके जो भी टेक्स्ट स्टाइल वगैरह हैं, ठीक है, विजुअलाइजर्स, विजुअलाइज के लिए जो भी स्टाइल वगैरह हैं वो हम यहाँ से अपने बना सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास बाय डिफॉल्ट कुछ सरफेस के स्टाइल दिए गए हैं, किसी एक को अगर आप सेलेक्ट करके एडिट करते हैं तो यहाँ पे आपको ये मेन्यू नज़र आता है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन टैब है, जहाँ पे इसका सरफेस का स्टाइल का नेम दिया गया है, उसके बाद बॉर्डर वगैरह का है, कंटूर्स है, कंटूर में आपके पास ये लेजेंड है, कंटूर इंटरवल आपने कितना करना है, यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। डिप्रेशन वगैरह जो है, ठीक है, उसके बाद कंटूर स्मूथिंग है, ये इसका लेवल दिया होता है बाई डिफॉल्ट, ठीक है, इसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये आप उसी सूरत में कर सकते हैं जब यहाँ पे ट्रू वैल्यू आपने सेलेक्ट की होगी, ठीक है। उसके बाद ग्रिड है, पॉइंट्स है, इस ट्राइंगल है, वाटर शेडर है, एनालाइज है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है वो ये डिस्प्ले टैब है, ठीक है। इसी से हम अपने स्टाइल वगैरह जो है वो मॉडल स्पेस में इनको कंट्रोल करते हैं। जैसे पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स अगर हमको चाहिए हम इसके लिए ऑन ऑफ कर सकते हैं, ट्राइंगल है, बॉर्डर है, मेजर है, माइनर है, ठीक है। ये जो ब्लू आपको नज़र आ रहा है ये बाय डिफॉल्ट ऑफ होती हैं ये लेयर्स, ठीक
ठीक है, आप इनको ऑन अपने हिसाब से ऑन और ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं इसका, ठीक है, और लाइन वेट, लाइन स्केल और जो भी है आप लेयर वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये सरफेस स्टाइल था, ठीक है। उसके बाद है लेबल्स। यहाँ पे आपने हमारे पास जो है कंटूर्स है, ठीक है, ये सरफेस में जो कंटूर है इनके हमने लेबलिंग अगर कुछ ऐड करना है, कुछ स्टाइल चेंज करना है, तो यहाँ से हम अपना स्टाइल वगैरह जो है वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कंटूर का था। उसके बाद हमारे पास है स्लोप, ठीक है, स्लोप के परसेंटेज, रेज एंड रन और रेज ओवर रन, और इसमें एक्सप्रेशन है, अगर आपने कोई अपनी एक्सप्रेशन क्रिएट करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद स्पॉट एलिवेशन होता है, कोई भी सरफेस हो और अगर आपको उस पर किसी भी पॉइंट पे एलिवेशन रिक्वायर्ड हो तो वहाँ के लिए हम स्पॉट एलिवेशन का जो लेबल है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको आने वाली वीडियो में हम इंशाल्लाह डिटेल से देखेंगे। तो ये कुछ लेबल स्टाइल होते हैं, ये हर एक के लिए दिए ही होते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ है, अलाइनमेंट है, ठीक है, आपके पार्सल हैं, सुपर एलिवेशन है, प्रोफाइल व्यू है, सेक्शन व्यू है, ठीक है, पाइप नेटवर्क है, तो सारे लेबल की जितनी भी सेटिंग है वो यहाँ पे सेटिंग टैब में अवेलेबल होती है। यहाँ से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे एक जर्नल के टैब है, जर्नल में हमारे जो है स्टाइल जो है यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास मार्कर स्टाइल है, फीचर लाइन स्टाइल है, स्ट्रोक पैटर्न है, प्रोजेक्शन स्टाइल है, कोड सेट स्टाइल है, ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। कोड सेट स्टाइल, इसमें कुछ बाई डिफॉल्ट होते हैं और कुछ में ऑलरेडी जो है बाई डिफॉल्ट होते हैं, और कुछ हम अपने हिसाब से अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम न्यू क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो सेटिंग टैब में जो है मैक्सिमम जो है स्टाइल वगैरह जो जो विजुअलाइजेशन, जैसे ये इसमें बाय डिफॉल्ट ये स्टाइल आ रहा है, अगर हम इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से चेंज करना चाहें तो हम सेटिंग टैब को यूज़ करते हुए यहाँ से हम अपने अलाइनमेंट लेबल में जाके इसके स्टाइल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था सेटिंग टैब का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। इसको इंशाल्लाह हम आने वाली वीडियो में डिटेल से देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।